हेलो गाइज, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना future.com पर। तो गाइज, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट को करेंगे, जो कि की पॉइंट्स है उस चैप्टर के। यह सिलेबस मस्ट डू सिलेबस है और आपके लिए एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट यू से बहुत ज़रूरी है। तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से याद कर ले। अगर किसी ने पूरा चैप्टर को नहीं पढ़ाया तो इन की पॉइंट्स को ज़रूर याद कर ले। तो आइए इनको शुरू करते हैं। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट वर्ड है सीगल फैमिली ऑफ 6 मेंबर। जो सीगल पक्षी होता है उसके परिवार में 6 मेंबर होते हैं। द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। जो युवा सीगल पक्षी होता है वो डरता है उड़ने से। उसको डर लगता है कि वो अगर उसने उड़ लिया तो उस चट्टान से उड़ गया तो वो कहीं समुंदर में, उस लंबे समुंदर में कहीं डूब ना जाए। नंबर 3, फैमिली हैज़ कंसर्न ऑफ हिज फूड एंड फियर ऑफ फ्लाइंग। जो उसका पूरा परिवार होता है वो उसको फूड यानी कि भोजन खिलाने के लिए पूरा कंसर्न रहता है और उसको उस भय से मुक्ति दिलाने के लिए पूरा कोशिश करता है, पूरा प्रयास करता है ताकि वो उड़ सके, उस भय से मुक्ति पा सके। नंबर 4 है कजोलिंग एंड प्रोवोकिंग हिम बाय फैमिली। और उसको मोटिवेट किया जाता है और उसको उत्तेजित किया जाता है उसके फैमिली के द्वारा कि वो अपने भोजन के लिए खुद प्रयास करे, खुद उड़ान भरे। 5 नंबर है फैमिली लिव्स हिम अलोन एट द रॉक। जो पूरा परिवार है उसको अकेला छोड़ देता है उस चट्टान पर जहाँ पर वो सभी रहते हैं और सभी अपने अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमने लग जाते हैं, समुंदर में गोता लगाते हैं, लेकिन वो उसको वहीं पर छोड़ देते हैं सीगल पक्षी को। नंबर 6, ही क्राइज बिकॉज ऑफ हेट एंड हंगर। जो वो सीगल पक्षी होता है वो चिल्लाता रहता है, वो भूखा मर जाता है वहाँ पर, भूख और प्यास की वजह से वो वहाँ पर चिल्लाता रहता है, उसको गर्मी भी वहाँ पर लगती है। नंबर 7, नो वन लुक्स एट हिम एक्सेप्ट द मदर। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता, केवल उसकी माता ही उसकी ओर ध्यान देती रहती है, उस पर नज़र रखती रहती है कहीं वो ज़्यादा परेशान ना हो जाए। टेम्पटेशन बाय मदर फॉर ए पीस ऑफ फिश। उसकी माता है जो उसको एक छोटी सी मछली का टुकड़ा उसके सामने से होकर ले जाती है और उसको वहाँ पर खाती है, पटक पटक कर उस चट्टान पर मारती है और उसको दिखाती है कि देखो मैं मछली का टुकड़ा है भोजन कर रही हूँ और तुम ऐसे ही हो। ही प्रिटेंडेंस टू स्लीप। वह पूरा दिन सोता रहता है बट नोबॉडी कम्स टू हिम। परंतु कोई भी उसके पास नहीं आता। एवरीबॉडी टॉन्ट्स हिम। जो सभी जो पक्षी होते हैं उसके परिवार के मेंबर होते हैं उसको टॉन्ट्स करते रहते हैं, उसको कमेंट करते रहते हैं फॉर हिज कवर्ड राइस, उसकी उस डरपोक प्रवृत्ति की वजह से। नंबर 11, द यंग सीगल डाइव्स टू कैच ए फिश टू फीड हिमसेल्फ। और जो अंत में पूरे प्रयास करने के बाद जो यंग पक्षी होता है, जो युवा सीगल पक्षी होता है, वो लास्ट में अंत में उस समुंदर में गोता लगाता है, अपनी उड़ान भरता है और अपने भोजन के लिए प्रयास करता है। नंबर 12, ही ट्राइज टू स्प्रेड हीज विंग आउटवर्ड। वो जो उसकी जो और वो जो पक्षी होता है, वो सीगल पक्षी होता है, वो अपने पंखों को फैलाने की पूरी कोशिश करता है कि वो अपने पंखों को बाहर की ओर फैलाए और उड़ सके। नंबर 13, ही बींग टू फ्लाई स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। और जो पक्षी होता है सीगल, वो धीरे धीरे उड़ने की कोशिश करता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे की ओर जाता है। नंबर 14, ही इज नाउ नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। वह अब उस डर पर जीत पा लेता है, यानी कि अब वो लंबी लंबी उड़ाने भरने लग जाता है। एंड फॉलिंग डाउन इन दासा, और सागर में नीचे की ओर गोता लगाने लगता है। ही सोर्स विद ए जॉयस स्क्रीम। और वो जो समुद्र की लहरें होती हैं उन पे वो उड़ता है, गोता लगाता है और वहाँ पर अपना भोजन यानी कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ता है और इन्जॉय करता है। नंबर 15, सीगल फैमिली कम्स नियर टू हिम। जो सीगल पक्षी का परिवार होता है उसके आसपास उड़ता रहता है एंड इंकरेज हिम, और उसको इंकरेज करता रहता है, उसको साहस यानी कि मोटिवेशन देता रहता है। पॉइंट नंबर 16, ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली। और इस तरह से वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान को सक्सेसफुली यानी कि सफलता के साथ उड़ लेता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो गाइज,
मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इन की पॉइंट्स को आप ज़रूर याद कर लें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। और यदि आपने अभी तक भी मेरे इस YouTube चैनल अपना फ्यूचर .com को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो और भी देखने को यहाँ पर मिलती रहे। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।